किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, उसको समझाना है, उसको बताना है, उससे ये सवाल पूछना है कि गोली मारने की बात करने वाले खुल्ला खुल्ला घूम रहे हैं और बच्चों की जान बचाने वाले डॉक्टर कफील को जेल में बंद करके रख दिए हो। ये सवाल पूछना पड़ेगा कि जो आज हक और न्याय की बात कर रहे हैं, जो आईन और संविधान की बात कर रहे हैं उसको देशद्रोही कह रहे हो, और जो गोल से जिंदाबाद कह रहा है उसको सांसद बना करके पार्लियामेंट में बिठा रहे हो। इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो आप तमाम लोगों का नाम इस देश की आजादी को बचाने वालों में लिखा जाएगा, और जो लोग आज आपके ऊपर पत्थर चला रहे हैं उनका इतिहास ट्रंप का तलवा चाटने वालों में लिखा जाएगा। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करने के लिए आया हूँ, ये बड़ी लड़ाई है, इस बड़ी लड़ाई में हमको सतर्क रहने की जरूरत है, हमको सावधान रहने की जरूरत है, हमको ये समझना है कि अपनी लड़ाई को हम किस तरीके से चलाएं। और मैं खास तौर पर अपनी माँ बहनों को सलाम करना चाहता हूँ कि आपने कमाल का काम किया है, आपने इस देश की सरकार को बताया है कि हम सिर्फ खाना बनाना नहीं जानते, हम देश चलाना और देश बचाना भी जानते। आपने ये साबित किया है कि हम आज रास्ते पर हैं, तो सरकार तुम सावधान हो जाओ, संभल जाओ, सुधर जाओ, वरना तुमको रास्ते पे लेकर के आ जाएंगे इस बात को। इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ कि 27 तारीख इस देश के इतिहास में एक तारीखी दिन होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और वो तारीखी दिन कैसे बनेगा? वो तारीखी दिन तब बनेगा जब 27 तारीख को सब्जी बाग के एक एक घर में ताला लगा करके बाल बच्चा सहित ढोल नगाड़ा बजाते हुए, ये नारा लगाते हुए, ये गाना गाते हुए गांधी मैदान पहुंचना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे देखना है, कितना बाद में तारीख ये सरकार को बताना है कि यह सरकार सुधर जाओ, NPR को बिहार में रोको, क्योंकि बिहार के लोगों को रोजगार की जरूरत है। हम पटना के गांधी मैदान से यह हुंकार भरना चाहते हैं, बिहार मांगे रोजगार, नहीं चाहिए NPR के हुंकार भरना चाहते हैं। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि सूबे बिहार की सरकार NPR के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करे, अगर रेजोल्यूशन पास नहीं करेगी तो हम इनको बताएंगे कि गांधी मां के मानने वाले लोग गांधी के रास्ते पे चलकर जैसे गांधी ने नमक कानून का विरोध किया था, उसी तरीके से देश को बांटने वाले इस कानून के खिलाफ हम सिविल नाफरमानी करेंगे, NPR को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। बोलिए आप इस लड़ाई में इस मांग के साथ हमारे साथ है कि नहीं है? सब लोग गांधी मैदान आएंगे? अगर आप सब लोग आएंगे तो कसम से मैं आपको बताता हूँ 27 फरवरी इतिहास में ऐसा दर्ज होगा कि एक बार फिर से बिहार ने इस देश को रास्ता दिखाया है कि NPR को रोकना कैसे है, NPR को ताला कैसे लगाना है। आप 27 तारीख को पटना के गांधी मैदान में आइए, मिलकर के हम ये लड़ाई लड़ेंगे, देश को बचाएंगे, आजादी की रक्षा करेंगे, तिरंगे को लहरा करके संविधान को। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।